से गोवंश के मामले काफी रफ्तार पकड़े हुए हैं। जहां आए दिन गोवंश को लेकर कोई न कोई मामला प्रकाश में आता रहता है, वहीं इसी के चलते एक और गोवंश का मामला निकलकर सामने आया। बता दें कि ये पूरा मामला जनपद बांदा के बबेरू तहसील क्षेत्र के अंतर्गत पतवन ग्राम पंचायत से है, जहां पर कई दिनों से गोवंश बेसुध अवस्था में पड़ी हुई मिली, जिसकी किसी जिम्मेदार ने कोई सुध नहीं ली। वहीं विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और गोवंश की माली हालत देखते हुए चिकित्सीय सहायता बुलाकर गोवंश का उपचार करवाया। जानकारी देते हुए पदाधिकारियों ने अवगत कराया कि यह घायल गोवंश एक दुर्घटना में घायल हो गई थी और कई दिनों से बेसुध हालत में पड़ी थी, लेकिन किसी जिम्मेदार ने यहां आकर गोवंश की कोई मदद नहीं की। वहीं आगे बताया गया कि हमारे द्वारा ग्राम प्रधान एवं सचिव को कई बार फोन किया गया, लेकिन उन लोगों द्वारा अपना फोन बंद कर लिया गया, जिससे कि उन्हें यह आना न पड़े। पदाधिकारियों ने बताया कि गोवंश गर्भवती थी और काफी ज्यादा बुरी हालत में थी, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने चिकित्सीय सहायता बुलाई और गोवंश का इलाज करवाया तथा बच्चे को भी बाहर निकलवाया। आगे पदाधिकारियों ने कहा कि अगर इस गोवंश के साथ कोई अप्रिय घटना होती तो हम जिला अधिकारी महोदय से मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे। पंडित अवधेश कृष्ण शास्त्री, जिला संयोजक विश्व हिंदू महासंघ बबेरू। देखिए तो ये कौन सा गांव है? ये गांव पटवन है। यहाँ के प्रधान सुनील यादव जी और सचिव अजय पटेल जी, यहाँ की गौओं की बहुत बुरी दुर्दशा है। अभी भी आपके सामने एक गाय पड़ी हुई है। ये रोड के किनारे 4-5 दिन एक्सीडेंट हो गया था। हम लोगों ने कई बार फोन किया, सचिव और प्रधान को, दोनों को फोन किया। जब यहाँ पर आज हम लोग आए, ये बच्चा नहीं दे पा रही थी, हम बच्चा डॉक्टर को बुला करके इसका इलाज और बच्चा निकलवाया, और प्रधान का फोन लगा रहे हैं तो प्रधान फोन स्विच ऑफ किए हैं कि यहाँ आना ना पड़े। व्यवस्थाएं बहुत दुर्तर हैं और आगे चल करके मैं अगर इस गाय और बछड़े को कुछ होता है, इसकी सुपुर्दगी ग्राम पंचायत लेने को तैयार नहीं। अभी तक यहाँ पर कोई आया नहीं है, और अगर नहीं आता है तो डीएम जिलाधिकारी जी से बात होगी और बात के तहत जो भी समाधान होगा निराकरण। जी ये तो ये गौशाला की गाय है क्या? ये गौशाला की गाय है, पुर्तया गौशाला की गाय है। जियो टैग भी लगा हुआ है, बिल्ला भी लगा हुआ है, सारी व्यवस्था। गांव के लोग भी बता रहे हैं कि ये गौशाला की गाय है। अच्छा, ये गाय अभी बच्चा दिया? अभी थोड़ी देर पहले। आपका कुंवर मोहन प्रताप सिंह हाड़ा। कौन सा गांव है ये? गांव पचवन। पतवन। क्या समस्या है? समस्या यह है कि गौ माता 5 दिन से रोड में पड़ी थी, तो हमारे पदाधिकारी जिला संरक्षक निर्मल सिंह जी का मेरे पास कॉल आया था कल नाइट में, तो आज सुबह मैं यहाँ उपस्थित हो गए। गौ माता इधर रोड में पड़ी थी, गौ माता के जब हम लोग उपस्थित हुए तो गौ माता के पैर निकले हुए थे, गौ माता के बच्चे के पैर निकले हुए थे, तो गाभिन थी गौ माता, तो उसका हमने डॉक्टर को बुला के बच्चे निकलवाए और गौ माता पड़ी है। ग्राम प्रधान सुनील यादव निकल जाता है रोड से देख के, माहौल देख के निकल जाता है, इधर आता ही नहीं। प्रधान जी को आपने फोन भी किया होगा? फोन बंद है उनका। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं गौ माता की अच्छे से देखभाल की जाए और मेरा रोज एक पदाधिकारी आएगा गौ माता को देखने कि गौ माता ठीक है कि नहीं। अगर गौ माता के साथ कुछ होता है तो जिला अधिकारी के पास हम ज्ञापन देने जाएंगे।